ओपीएस की मांग को लेकर बीते 16 दिनों से जारी आज़ाद अध्यापक संघ की हड़ताल को लेकर अब प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया है। प्रशासन के द्वारा लगभग 13 शिक्षकों पर निलंबन की कार्यवाही की गई है। इसके बाद आखिरकार क्या स्थिति है स्कूलों में, आइए समझने का प्रयास करते हैं आज की इस रिपोर्ट में। सब्जेक्ट मिसिंग तो नहीं हो रहा है आप लोगों का हड़ताल की वजह से? एग्ज़ाम कब से आप लोगों की? एग्ज़ाम की पॉलिटिकल साइंस है? अच्छा, पढ़ते हो पॉलिटिकल साइंस? इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में? नेता बन के कौन सेवा करना चाह रहा है जनता? नहीं, नेता बनना ही नहीं चाह रहे हो? क्यों, इतनी नफरत क्यों नेताओं से? बालाघाट जिले में जारी अध्यापक संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण बच्चों की पढ़ाई पर आंशिक असर दिखाई दे रहा है। हालांकि बीते 2 दिनों में 13 शिक्षकों पर की गई निलंबन की कार्यवाही के बाद कुछ शिक्षक डर के कारण स्कूल भी पहुंचने लगे हैं। इसी को लेकर आज हमने कनकी संकुल के अंतर्गत आने वाले गर्रा माध्यमिक शाला और हायर सेकेंडरी स्कूलों का जायजा लिया। हायर सेकेंडरी स्कूल कनकी की बात करें तो यहाँ पर 2 शिक्षक हड़ताल से लौट चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके द्वारा क्लास ज्वाइन नहीं की गई। यहां पर बच्चों ने बताया कि हड़ताल के कारण 16 दिनों से गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषय की पढ़ाई नहीं हो पाई है। कोई असर नहीं? अच्छा, तो पढ़ाए? हाँ। सब्जेक्ट क्लियर हो चुके हैं क्या आप लोगों के? तो अभी क्या रिवीजन चलना था? अच्छा, एग्जाम कब से आप लोगों की? क्वार्टरली? 7 अक्टूबर। ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट है जिनमें डाउट है आप लोगों को? सर, नो सर। कौन कौन से सब्जेक्ट आप लोगों को ऐसा लग रहा है जिसमें आप लोगों को डर बना रहेगा? कुछ भी नहीं। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कनकी में कुल 21 शिक्षकों का स्टाफ है। इनमें से 8 शिक्षक हड़ताल पर है जबकि 2 शिक्षक लौट चुके हैं। प्रभारी प्राचार्य बसंत चौधरी की माने तो विषयवार पढ़ाई में थोड़ा असर जरूर पड़ा है, लेकिन रेगुलर क्लास लगाकर अन्य शिक्षकों की कमी को पूरा किया जा रहा है। तो विषय की पढ़ाई में थोड़ा दिक्कत हुई होगी, बाकी क्लासेस रेगुलर लग रही है। बच्चे कैसे एडजस्टमेंट कर रहे हैं? जो टीचर नहीं आ रहे हैं उनकी क्लास इंगेजमेंट लगा लगा के करवा रहे हैं। जी जी। अच्छा, किस तरह का इंगेजमेंट करवा रहे हैं? जी, हर क्लास में टीचर को जो है, पहले 4 पीरियड हुआ करते थे, उनके 5-6 पीरियड पढ़ाते रहे हैं। वो बाकायदा पूरा क्लास को इंगेज करते रहे, जो भी पीरियड रहा उस समय इंगेज करा के उनको पढ़ाया गया। अच्छा, स्कूल की ओर से जो 48 शिक्षक हैं उनको वापस लौटने के लिए कोई प्रयास? वो तो अपने मर्जी से गए थे उन लोगों, वो हुए हैं क्योंकि अब उनको नोटिस और उनकी रोज़ जानकारी हम यहाँ से भिजवा रहे हैं कि हड़ताल पे जो जा रहे हैं बच्चे, टीचर जो जा रहे हैं 13 तारीख से, उनकी बकायदा हम लोग जानकारी यहाँ से भिजवा रहे हैं। कनकी हायर सेकेंडरी स्कूल से निकलकर हमने गर्रा स्थित माध्यमिक शाला और हायर सेकेंडरी स्कूल का भी जायजा लिया। यहाँ पर माध्यमिक शाला में सभी शिक्षक हड़ताल से लौट चुके हैं। वहीं हायर सेकेंडरी स्कूल गर्रा की बात करें तो यहाँ पर शिक्षक हेमंत ठाकरे को छोड़ अन्य सभी शिक्षक वापस लौट चुके हैं, जिनके द्वारा बच्चों की क्लास भी शुरू की गई है। वहीं दूसरी ओर हड़ताल पर बैठे शिक्षकों की संख्या में पूर्व की अपेक्षा कमी दिखाई दे रही है। यहाँ पर कुछ शिक्षक हड़ताल का अभी तक समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आधे से अधिक शिक्षकों के स्कूल में लौट जाने के कारण हड़ताली शिक्षकों में निराशा के भाव भी दिखाई दे रहे हैं। हमारा आंदोलन किस दिशा में जा रहा है? साथियों, शासन की जो दमनकारी नीति है, हमारे साथियों पर हमें उद्बोधन में रोज हम वही 13 तारीख से हम वही चीजें बोल रहे हैं, क्योंकि भाई हमारी मांगे वही हैं। हड़ताल की वजह से स्कूलों में बच्चों की कई सब्जेक्ट की पढ़ाई मिसिंग हो रही थी। इसी को लेकर शासन के आदेश पर जिला प्रशासन के द्वारा 13 शिक्षकों पर कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के बाद आखिरकार डर कहे या फिर नतीजा नहीं निकलने की वजह से 48 शिक्षक धीरे धीरे अब स्कूलों में लौटने लगे हैं।